और गार का रास्ता मिला है यहाँ पे, हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। नीचे तक जाकर देखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा देखे। ये चुप कर रहे। ये नीचे से मजाक नहीं, कसम से भेड़ियों की आवाज आ रही है। चले आगे, मजाक नहीं, चला तू आ गया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये फ्लैश वगर मोबाइल, ओए मैं गिर रहा हूँ यार ना कर। कुछ कुछ भी नजर नहीं आ रहा इस टाइम, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे भी। ये नीचे हम गार में वो देखें, वो ऊपर रास्ता है। वाकई मजाक नहीं, ऊपर से बहुत अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आ रही हैं। एक भेड़ी नहीं नहीं वाकई कह नहीं कर रहे यार आवाज, नीचे वाकई ऊपर से बहुत हैवी किस्म की आवाज आ रही है नीचे। आपने देखा है कुछ यार? ये एक और जगह उसके सामने बिल्कुल, जहाँ पे हम तय खाने में गए थे। पता नहीं वो तय खाने के सुरंग बकौल वो सुबह ही गए, उसका कहना ये है कि यहाँ पे दो टिकटॉकर गए थे, वापस नहीं आए। सुनने में तो बिल्कुल फिल्मी सा सीन लग रहा है, लेकिन हमें कोई नहीं पता कि वाकई हो सकता है कि वापस ना आए हों। इस भाई ने कहा कि वो टिकटॉकर आज तक नहीं मिले तो उनकी। हम भी नहीं मिलेंगे तो एक बार। नहीं नहीं भाई, वो टिकटॉकर है, टिकटॉकरों को तो मिलना भी नहीं चाहिए, यूट्यूबर नहीं गायब होने चाहिए। लेकिन उनकी आज भी इस भाई के मुताबिक रूहें भटकती हैं, जिनमें से एक रूह ये भाई खुद है। यार ये भाई ना थोड़ा सा नाराज हो गया, कह रहा मैंने आइंदा के बाद नहीं आना। लेकिन इस भाई को इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए। जा जा यार, मैं आ रहे होते तन मजा है। कौन सी जगह है? पहली बार मैं खुद भी पहली बार जा। पता नहीं इधर क्या क्या होता था, इन्होंने कैसे बनाई है। पता नहीं क्या, देखते हैं कि हम अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि जंगल लगा हुआ है। जगह बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है हमें भी नहीं पता। और ये पता नहीं किस वजह से बनाई थी, क्यों बनाई थी और कैसे बनाई थी, ये हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो यार ये मैं है मुगल गैलरी, ये मुगल गैलरी है जहाँ पे ये यार ये खमसा है। ये एक तो हमें उर्दू नहीं पढ़नी आती यार। मुसन्निफ हजरत अमीर खसरो दहलवी, ये बहुत पुरानी किताबें हैं उस दौर की, पता नहीं ऊपर लिखा क्या हुआ है। में बनाइए और ये सिर्फ हाथी का दांत कितना मटेरियल तरीके से बनाया, और ये हाथी के दांत के ऊपर इन्होंने लिखा किस तरह है और उसको जोड़ा किस तरीके से होगा। उस दौर में ना ग्लू ये कोई चीज नहीं थी, ये उस दौर के सिक्के हैं। उस दौर में जो सरकारी ज़बान थी वो फारसी थी, इस वजह से जितने भी यहाँ पे खत वगैरह लिखे हुए हैं या फरमान सारे वो सारे फारसी में है। इधर हम आए हैं तो इधर हमने देखा कि किसी चीज की शूटिंग हो रही है, देखे उसके लिए ये भी दीवाने खास ही है, लेकिन औरंगजेब आलमगीर का फर्नीचर वगैरह तैयार हो रहा है उसके लिए, इधर कोई शूटिंग होगी। ये सारा मार्बल क्या है, वो लाल था ये वाइट है। हाँ ये सब इधर अलग अलग मार्बल हर जगह लगा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, हम ऐसी जगह पे आए हैं जिधर बादशाह मतलब नहाता था। ये देखें शाही हमाम, ये शाही हमाम है उस दौर का, शाही हमाम स्विमिंग पूल आजकल। और ये देखें यहाँ पे सिर्फ बादशाह नहाता था, उस दौर में बादशाह नहाता था, अब सिर्फ एक बंदा नहा सकता है। तेरे मान नाल केरी बात। ये देखें अंदर की मेरे ख्याल से कोई जेल तो नहीं था। हेलो ये काफी गहरा था, अब तो इसके अंदर ना लोगों ने कचरा फेंक फेंक के वो अंदर तो अब दरख्त। यार तू गिर गया ना, तेरा बचना बुचना कुछ नहीं है। यार इधर कितनी अच्छी स्मेल है। ₹100 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के। तो यार हमने भी ₹150 खर्चे, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है इन्होंने इधर। पहले इधर
बच्चे टिकटॉक बनाते थे, ये भाई भी इधर बहुत टिकटॉक बना रहे हैं। मैंने पता लगा ना कि बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं, इन्होंने कहा पैसा कमाते हैं, पैसा वो साहब ये बादशाह मस्जिद है, गुरुद्वारा है सिखों का। हाँ। और वो ये है जो बादशाह मस्जिद के सामने गेट था ना शाही किले का, एक ये गेट है और एक हमने आपको पहले दिखाया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये दो गेट है। हम आपको एक दिखाते हैं मीनार, हमारा मीनार है पाकिस्तान। पैसे यार ये सामने बिल्कुल ये बादशाही मस्जिद, ये शाही किले का एंट्रेंस गेट है और वो गुरुद्वारा, वो मीनार पाकिस्तान है। और यहाँ पे शाही किले का जो अपना अंदर वाला व्यू है ना वो भी बहुत टॉप क्लास है। मीनार पाकिस्तान में से एंट्री है शाही किले। हाँ ये अगर कोई मीनार पाकिस्तान में से आता है तो यहाँ से एंटर होगा। हम तो बैक डोर से एंटर हुए हैं जहाँ से सिर्फ लेजेंड्स एंटर हो सकते हैं, और वो भी सिर्फ इस भाई की वजह से। इस भाई को ही वो रास्ता आता था और इसने ही हमें बताया कि यहाँ पे एंट्री कैसे हो सकती है। वैसे इस तरह करना नहीं चाहिए, आप में से भी कोई ना करे, लेकिन हमने बस इसीलिए किया कि हमने बैक डोर से ही आना था। ये 1632 में ये गेट बना हुआ है, इसको मुसलमान गेट है, जैस्मिन टावर कहते हैं। जैस्मिन टावर इसको कहते हैं, बहुत ही पुराना गेट है। शाहजहां के जमाने में बना, 1632 कितने साल हो। शाही किले का है जो मेरा ख्याल 10 रुपए के नोट पे भी है, वो शायद यही है किसी एक करंसी पे आई है। सामने ही बिल्कुल बादशाही मस्जिद है, दरमियान वाले हिस्से को हुजूरी बाग कहते हैं। ये हुजूरी बाग है, यहाँ पे टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत आते हैं। 10 रुपए के नोट पे पेशावर का किला, ओ 10 रुपए के नोट पे, फिर ये 100 का मेरा ख्याल 100 वाले भी होगी शायद। ठीक है यार अब हम वापस जा रहे हैं बाइक लेने पार्किंग में, जहाँ पे हमने खड़ी की थी। थक बहुत ज़्यादा गया सुबह के चल चल के छलांगे मार के। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और लाइक शेयर और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बेल आइकन को प्रेस, हम आपको कहना ही भूल गया, आपको पता चल गया ना, आपने लाइक भी करना है सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है।